हैं कलाकार बेमिसाल और इस कार्यक्रम में मैं नीलम अलकानिया स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। कलाकार बेमिसाल की आप प्रतीक्षा करते हैं क्योंकि आपको पता है कि इस कार्यक्रम का फॉर्मेट क्या है। आप अपने पसंदीदा कलाकारों के बारे में जानना चाहते हैं और उन पर फिल्माए गए या उनके फिल्मों के हिट गीत भी सुनना चाहते हैं, लेकिन आज इस कार्यक्रम में हम आपके लिए इन सब के अलावा कुछ खास भी लेकर आए हैं। ऐसा होता है ना दोस्तों कि समाज में जो अलग अलग हिस्से हैं, अलग अलग क्षेत्र हैं, वहां कुछ इस तरह की हस्तियां होती हैं जो निरंतर मेहनत करती हैं और अपनी एक खास जगह बना लेती हैं और फिर उन हस्तियों से उनके किए गए उल्लेखनीय कामों से हम सभी प्रभावित होते हैं। सिर्फ उनके आसपास का समाज नहीं, उस दौर के लोग नहीं, बल्कि कई पीढ़ियों को भी कुछ लोग प्रभावित करते हैं, प्रेरित करते हैं। तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि आज के इस कार्यक्रम में हम थोड़ी थोड़ी उनकी भी बात करें। अच्छा रहेगा ना। तो ऐसा करते हैं, हम शुरुआत करते हैं श्री नारायण गुरु से। ये प्रसिद्ध आचार्य और संस्कृत के विद्वान थे, आयुर्वेद और ज्योतिष के भी ज्ञाता थे। आज श्री नारायण गुरु की है पुण्यतिथि। श्री नारायण गुरु का जन्म केरल के तिरुवनंतपुरम के उत्तर में 12 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव में सन 1855 में हुआ था। स्वयं उनके पास कोई बहुत ज्यादा सुविधाएं नहीं थी, लेकिन उन्होंने जो कष्ट सहे उसको सहते सहते वो समाज के हर तबके के साथ जुड़ते गए और बचपन से ही बेहद संवेदनशील रहे और इसी संवेदनशीलता ने उनको आध्यात्मिकता से जोड़ा और आगे चलकर भारत के महान संत और समाज सुधारक के रूप में इन्हें जाना जाता रहा। तेरा जलवा तौबा है तेरा जलवा, जब से देखा तौबा है तेरा जलवा। तेरा जलवा तौबा है तेरा जलवा, जब से देखा तौबा है तेरा जलवा। हो जी चाहे जी भर के तारीफ करूं, क्या कहना तौबा है तेरा जलवा। तेरा जलवा तौबा है तेरा जलवा, जब से देखा तौबा है तेरा जलवा। हो जी चाहे जी भर के तारीफ करूं, हो क्या कहना तौबा है तेरा जलवा। तेरा जलवा तौबा है तेरा जलवा। सुनते थे लोगों से अफसाने तेरे हाय, पर तुझको दे पे उड़ते बादल को चांद सा चेहरा। तेरा जलवा तौबा है तेरा जलवा, अरे जब से देखा तौबा है तेरा जलवा। कलियों से फूलों से महफिल सजी है, हाय तेरा जन्मदिन आया। मेरी बेअदबी तू माफ करना, हाय मैं कोई तोहफा न लाया। जो खुद फूलों उसको क्या दे फूलों का गुलदस्ता। तेरा जलवा तौबा है तेरा जलवा, जब से देखा तौबा है तेरा जलवा।
हाय दिलबर का नाम लिखा है, जाने अनजाने चेहरे पे तेरे, हाय किसका सलाम लिखा है। तेरा महबूब बनेगा कोई किस्मत वाला, तेरा जलवा तौबा है तेरा जलवा, जब से देखा तौबा है तेरा जलवा। हो जी चाहे जी भर के तारीफ करूं, हो क्या कहना तौबा है तेरा जलवा, तेरा जलवा तौबा है तेरा जलवा। और आइए इसी सेगमेंट में अब हम बात करते हैं डॉक्टर प्रभा खेतान की। 1 नवंबर 1942 को इनका जन्म हुआ, आज इनकी पुण्यतिथि है। 20 सितंबर 2009 में इनका देहावसान हुआ था। इनकी पहचान एक उपन्यासकार के तौर पर है, कवित्री के तौर पर है, साथ ही नारीवादी चिंतक ये हैं और समाज सेविका भी अपने जीवन में ये रही। देश विदेश में इन्हें खूब ख्याति मिली, खूब सम्मानित इनको किया गया। कविता संग्रह इन्होंने रचे, उपन्यास, साथ ही संपादन कार्य किया और आत्मकथा भी इन्होंने लिखी। और अगर हम बात करें इनकी रचनाओं की तो हम बता सकते हैं कि अन्य से अनन्य नाम से इन्होंने आत्मकथा लिखी है। उपन्यास की बात की जाए तो तालाबंदी, छिन्न मस्ता, पीली आंधी, इसके अलावा भी और कई उपन्यास हैं। कविता संग्रह की अगर बात की जाए तो एक और आकाश की खोज में, ये इनका कविता संग्रह है। अपरिचित उजले, ये भी इनका कविता संग्रह है। और अनुवाद कार्य भी प्रभा खेतान ने किया। स्त्री उपेक्षिता, द सेकंड सेक्स, ये इनके अनुवाद कार्य हैं। तो आज हमने कलाकार बेमिसाल की शुरुआत की एक अलग सेगमेंट से, जिसमें हम अलग अलग क्षेत्रों की कुछ ऐसी हस्तियों को भी याद करेंगे जिन हस्तियों ने समाज को अपनी मेहनत से अचंभित भी किया, प्रभावित भी किया और साथ ही समाज के लिए कुछ योगदान भी दिया। चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम, जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। के रास्ता कट जाएगा मित्रा, के बादल छट जाएगा मित्रा, के दुख से झुकना ना मित्रा, के एक पल रुकना ना मित्रा। ओए जीवन चलने का नाम, चलते हो शाम, जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। के रास्ता कट जाएगा मित्रा, के बादल कट जाएगा मित्रा, के दुख से झुकना ना मित्रा, के एक पल रुकना ना मित्रा।
जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। जीवन से हार मानता उसकी हो गई छुट्टी, नाक चढ़ा कर कहे जिंदगी तेरी मेरी हो गई कुट्टी। ओए जो जीवन से हार मानता उसका हो गया छुट्टी, नाक चढ़ा कर कहे जिंदगी तेरा मेरा हो गया कुट्टी। रूठा यार मना मित्रा, यार यार बना मित्रा, न खुद से रहो खफा मित्रा, खुद ही से बने खुदा मित्रा। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुख हो शाम। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुख हो शाम। उजली उजली भोर सुनाती तुतले तुतले बोल, उजली उजली भोर सुनाती तुतले तुतले बोल। अंधकार में सूरज बैठा अपनी गठड़ी खोल, समय से हाथ मिला मित्रा, किरण किरण मित्रा, चलता रहे चरण मित्रा। चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। जाएगी मित्रा के सूरज चढ़ जाएगा मित्रा, काफिला बढ़ जाएगा मित्रा। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। हिम्मत अपना दीन धर्म है, हिम्मत है ईमान। हिम्मत अल्लाह, हिम्मत वाह गुरु, हिम्मत है भगवान। हिम्मत अपना दीन धर्म है, हिम्मत है ईमान। हिम्मत अल्लाह, हिम्मत वाह गुरु, हिम्मत है भगवान। इसमें मरता जा मित्रा, करता जा मित्रा, किसी से झुकाता चल मित्रा, के जग पर चाहता जा मित्रा। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुख हो शाम। जीवन चलने का नाम, चलते
जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। पता है, न्याय विभाग भारत सरकार ने गरीब और जरूरतमंदों को न्याय दिलाने की प्रक्रिया को किया और भी आसान। हाँ बिल्कुल, टेलीलॉ और न्याय बंधु सेवाओं का हो गया है एकीकरण। अब चाहे टेलीलॉ के माध्यम से मुफ्त कानूनी सलाह लेनी हो या न्याय बंधु में पंजीकृत वकीलों से कोर्ट में निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए जुड़ना हो, अब दोनों एक ही ऐप पर। डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉग इन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSE सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। आम बातों के जैसे ही HIV पर अरे अपनों से चर्चा हो, शर्म छोड़ कर खुल कर HIV पर अपनों से चर्चा हो। HIV पर लेनी है सलाह या मन में आए कोई सवाल, तो घबराना छोड़ कर 1097 पर कॉल कर। सवाल किया क्या, सवाल किया क्या। HIV/AIDS से जुड़े सभी सवालों के लिए आज ही टोल फ्री नंबर 1097 पर कॉल करें। हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी। आकाशवाणी FM गोल्ड, आप सुन रहे हैं 100.1 MHz पर कार्यक्रम चल रहा है कलाकार बेमिसाल। और चलिए अब उस कलाकार की बात करते हैं जिनको पर्दे पर कभी बहुत ही चुलबुले सी भूमिका में देखा गया और कभी संजीदा सी भूमिका में। कभी इन्होंने समाज में जो स्त्री की भूमिका है उससे जुड़े हुए कुछ प्रश्न पर्दे पर उठाए, तो कभी बिल्कुल बेफिक्री वाला जो जीवन होता है उसको दर्शाया। यानी अलग अलग भूमिकाएं इन्होंने पर्दे पर सजीव की। बात करेंगे हम उस कलाकार की जिन्हें चांद और सूरज, बहारें फिर भी आएंगी, ज्वेल थीफ, नई रोशनी, जीने की राह, हाथी मेरे साथी, अनुभव मेरे जीवन साथी और दो चोर जैसी फिल्मों में अपनी भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। कुछ अंदाजा? जैसा कि मैं हमेशा करती हूँ, एक हिंट भी आपको देती हूँ। तो चलिए, एक गाना मैं आप तक पहुंचा रही हूँ और आप अपने जहन में उस कलाकार की तस्वीर भी लेकर आइए और साथ ही नाम भी याद कीजिए। ओ मेरे दिल के चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। ओ मेरे दिल के चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। अपना ही साया देख के तुम जाने जहां शर्मा गए, अभी तो ये पहली मंजिल है, तुम तो अभी से घबरा गए। मेरा क्या होगा सोचो तो जरा, हाय ऐसे न आए बरा कीजिए। ओ मेरे
के चैन चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। आपका अरमान आपका नाम मेरा तराना और नहीं, इन झुकती पलकों के सिवा दिल का ठिकाना और नहीं, जचता ही नहीं आँखों में कोई, दिल तुमको ही चाहे तो क्या कीजिए। ओ मेरे दिल के चैन चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। अकेला भी अक्सर गिर के संभल सकता हूँ मैं, तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा दुनिया बदल सकता हूँ मैं, मांगा है तुम्हें दुनिया के लिए, अब खुद ही सनम फैसला कीजिए। ओ मेरे दिल के चैन चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। ओ मेरे दिल के चैन जी, कुछ अंदाजा लगाया। चलिए, बहुत ज्यादा पहेलियां मैं नहीं बुझा रही हूं। मैंने आपको आज जिन कलाकार की हम बात करने जा रहे हैं उनकी फिल्मों के नाम बताए और एक गाना भी सुनवाया। अब मैं जल्दी से बता देती हूं खुद उनका नाम, आपने जो सोचा उससे मैच कीजिए। आज हम इस कार्यक्रम में बात कर रहे हैं तनुजा की। I'm not afraid to die.
बचपन से ही तनुजा अभिनय से जुड़ी रहीं। कैसे? क्योंकि इनका जन्म ही एक ऐसे परिवार में हुआ जो पहले से ही फिल्मों से जुड़ा हुआ था। फिल्म निर्माता कुमार सेन समर्थ और अभिनेत्री शोभना समर्थ के घर तनुजा का जन्म हुआ। यानी इनके पिता जो थे वो फिल्म निर्माता थे और माता अभिनेत्री थी, और ऐसे में जो बड़ी बहन थी तनुजा की वो खुद जानी मानी अभिनेत्री थी नूतन। तो जब घर में ही माहौल ऐसा था कि लगातार फिल्मों की बातें होती थी, अभिनय की बातें होती थी, ऐसे में इनके कुछ और परिचित थे, कुछ और रिश्तेदार थे जो फिल्मों से जुड़े हुए थे, अलग अलग भूमिकाएं फिल्मों में निभा रहे थे। तो तनुजा के लिए अभिनय तो कोई नया नहीं था, फिल्म जगत कोई नई बात उनके लिए नहीं थी, लेकिन हाँ, उस बचपन से जो सपने लेकर पलता है कोई भी बच्चा एक परिवार में, उन सपनों को आकार देना, उन्हें साकार करना, उसके लिए मेहनत की जरूरत थी। तो तनुजा की फिल्मों में जो शुरुआत हुई वो छोटी उम्र से ही हो गई। उनके फिल्मी करियर की शुरुआत में ही उन्होंने अपनी बड़ी बहन नूतन के साथ फिल्म की हमारी बेटी 1950 में, जिसमें कि उन्होंने बेबी तनुजा की भूमिका निभाई, और उसके बाद भी उन्होंने कुछ फिल्में की जिसमें वो बच्चे के रूप में नजर आई। यानी वो मुख्य कलाकार उस फिल्म में नहीं थी, हीरोइन उस फिल्म की नहीं थी, लेकिन फिर भी बचपन से ही अभिनय से उनका जुड़ाव तो हो ही गया था। जाए बहार बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। आने से उसके आए बहार, जाने से उसके जाए बहार बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। बजते हो घुंघरू कहीं पे, आके पर्वतों से जैसे गिरता हो झरना जमीन पे, झरनों की मौज है वो मौजों की रवानी है मेरी महबूबा, महबूबा मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। जब जब महीना हर कोई ये समझे
होगी वो कोई चंचल हसीना। पूछो तो कौन है वो रुत ये सुहानी है मेरी महबूबा मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा महबूबा बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा। तनुजा कुछ उन गिरी चुनी बेहद लकी हीरोइंस में से रही जिन्होंने अपने परिवारजनों के साथ काम किया और उनके काम को खूब पसंद भी किया गया। तनुजा ने अपनी मम्मी अपनी माता के डायरेक्शन में भी काम किया और इस पल को उन्होंने जब भी याद किया तो बेहद खुशी और गर्व के साथ याद किया। तनुजा की जो इमेज थी जैसा कि हमने बताया कि उनकी बड़ी बहन पहले से ही फिल्म जगत में सक्रिय थी और उनकी एक अच्छी खासी छवि थी नूतन। तनुजा ने उनसे बिल्कुल एक अलग इमेज बनाई। उन्होंने स्क्रीन पर कुछ बोल्ड सीन्स भी दिए और कभी कभी बेहद गुस्सैल महिला का चरित्र भी निभाया। कभी सवाल पूछती हुई समाज से सवाल पूछती हुई एक ऐसी नायिका का किरदार निभाया जो कि बहुत मुखर मानी जाती थी। तो अलग अलग भूमिकाएं तनुजा ने अपने करियर में चुनी और तनुजा ने सिर्फ हिंदी फिल्में ही नहीं हिंदी के अलावा इन्होंने बंगाली मराठी और पंजाबी फिल्मों में भी अभिनय किया। बुझ गए दिल आके मेरे पास कानों में मेरे जो भी चाहे कहिए दिए
Think IIT, think Vidya Mandir. Think IIT, think Vidya Mandir. Register today for Vidya Mandir Intellect Quest on 14th and 15th October. Think IIT, think Vidya Mandir. आकाशवाणी एफएम गोल्ड आप सुन रहे हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम है कलाकार बेमिसाल और आज इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं अभिनेत्री तनुजा की। तनुजा ने अपने फिल्मी करियर में दो बार फिल्मफेयर अवार्ड जीता। एक बार 1970 में अपने अभिनय से इन्होंने प्रभावित किया फिल्म पैसा या प्यार में और इन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड मिला और दूसरी बार जो इनकी पूरी फिल्मी यात्रा रही उसको सराहते हुए इनको पुरस्कार दिया गया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2014 में। ठंडी हवा आहा सुन जा हे काली घटा आहा सुन जा आ ठंडी हवा आहा सुन जा हे काली घटा कुछ प्यारी प्यारी बातें हमारी आ जाते जाते तू भी सुन जा सुन जा आ ठंडी हवा आहा थम जा ए काली घटा ठंडी हवा आज दोनों अकेले हैं सुन बावरी शोर यूं ही मचाना न तू जो नींद आ जाए सैया के भैया में तो जिंदगी भर जगाना न तू हम आज दोनों अकेले हैं सुन बावरी शोर यूं ही मचाना न तू Thank you.
राज पर्वत पे मिलने को जाती है दुआ। करके सजन से मिलन है पवन किस तरह झूमती गाती आती है तू। बादल से है प्रेम तेरा उसे रोज पर्वत पे मिलने को जाती है तू। करके सजन से मिलन है पवन किस तरह झूमती गाती आती है तू। कुछ ऐसा हाल है मेरा सुनते हैं सारे मस्त नजारे चलते चलाते तू भी सुन जा। सुन जा आ ठंडी हवा आहा थम जा ऐ काली घटा। कलाकार बेमिसाल में आज हमने बात की अभिनेत्री तनुजा की और आपको सुनवाए उन्हीं के फिल्मों के कुछ बेहद हिट गीत। आपको कार्यक्रम कैसा लगा हमें बताइएगा जरूर fmgoldair@gmail.com पर। और आज बस इतना ही। नीलम मलकानिया को अब दीजिए अनुमति इस गाने के साथ। पलक तेरी गोरी खुलने लगी है थोड़ी थोड़ी एक चोरनी एक चोर के घर करने चली है चोरी हो चोरी। काली पलक पिया मोरी ओ खुलने लगी है थोड़ी थोड़ी एक चोरनी एक चोर के घर करने चली है चोरी हो चोरी। बांध के पायल तू होंठ दबाए बदन को चुराए नाजुक कमर से लगाए अदा की कटारी जालिमा। तेरे की धीरे धीरे तू मेरे गले पर ये बाहों के खंजर जाए कि दिल मेरा लेकर समझ के अनाड़ी लटों की डोरी हो डोरी। काली पलक तेरी गोरी ओ खुलने लगी है थोड़ी थोड़ी एक चोरनी एक चोर के घर करने चली है चोरी हो चोरी। काली पलक पिया मोरी हो चोरी।